तो गाइस आज हमारे पास है टाटा 710 LPT और कहने को तो ये एक LCV है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 टन से ज्यादा की लोडिंग कैपेसिटी मिलती है और मिलता है आपको यहाँ पे कंफर्टेबल और फीचर लोडेड कैबिन। तो गाइस सबसे पहले एक्सशोरूम प्राइस जो है इसका वो आपको अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा नीचे की साइड। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल आप देखेंगे, काफी ज्यादा बेसिक और नीट एंड क्लीन डिजाइन आपको यहाँ पे मिलता है। हैलोजन हेडलैम्प्स का यहाँ पे आपको सेटअप दिया जाता है और उसी के साइड में जो आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं वो भी आपको नॉर्मल हैलोजन के फॉर्म में मिलते हैं। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी में किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज फील नहीं होगा। चाहे आप इस वाले एरिया को देख लीजिए, चाहे आप इस मेटल बंपर को देख लीजिए और पीछे की साइड भी जब मैं आपको उसकी बिल्ड क्वालिटी दिखाऊंगा तो वो चीज आपको काफी ज्यादा अमेजिंग लगने वाली है। इसी के अलावा यहाँ पे आपको लोडिंग जो कैपेसिटी मिलती है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये आपको ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, नीचे आपको टाटा की बड़ी सी ब्रांडिंग की गई है। एक चीज गाइस मैं अभी यहाँ पे नोटिस कर रहा था जब मैं इसे थोड़ा सा ड्राइव कर रहा था कि विंडशील्ड का जो एरिया है वो काफी ज्यादा मैसिव है। और अच्छी बात यह है कि जब आप इसके इंटीरियर में बैठते हैं और इसे ड्राइव करते हैं तो किसी भी तरह का यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इसे ड्राइव करना बहुत ही ज्यादा इजी टास्क है। साइज भी देख सकते हैं हम इसका, काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है क्योंकि ये ट्रक लाया करता है LCV सेगमेंट में। इंजन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन देखने को मिलता है जो प्रोड्यूस करता है नियरली 100 PS ऑफ पावर एंड 300 Nm ऑफ टॉर्क। काफी ज्यादा लो RPM से आपको उसका पीक टॉर्क देखने को मिल जाता है। अब अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रक है वो एक LCV सेगमेंट का है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको 4 टायर्स मिलते हैं। बाकी व्हील के साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 इंचेस के स्टील रिम का ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी गाइस फ्रंट के सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको सेमी इलिप्टिकल मल्टी लीफ स्प्रिंग के साथ हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। और रियर की अगर बात करें तो रियर में भी आपको सेम लीफ स्प्रिंग के साथ हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं और साथ ही साथ रियर में ऑक्सिलरी स्प्रिंग्स भी आपको देखने को मिलती है। बाकी गाइस सर्विस ब्रेकिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलते हैं एयर ब्रेक्स। टाटा मोटर्स क्लेम करता है कि इस ट्रक में आपको 27% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। अगर बात करें इसकी बाकी साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट मिल जाती है, ये डोर लॉक आपको मिल जाता है और यहां से आप इसे ओपन करके आराम से इस पे पैर रख के एंटर कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे ओआरवीएम्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ओआरवीएम्स 2 तरह के मिल रहे हैं। एक जो ओआरवीएम्स है वो बेसिक ओआरवीएम है, लेकिन ये जो है वो आपको ब्लाइंड स्पॉट ओआरवीएम मिलता है जो कि जनरली आप जब इसे टाइट पार्किंग प्लेस में पार्क कर रहे होंगे तब आपके यूज में आएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करो तो यहाँ पे आपको 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और ये जो पैनल है गाइस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कभी कभी हम जब ट्रक को ड्राइव कर रहे होते हैं तो इन केस अगर कोई व्हीकल टच हो जाता है तो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से वो व्हीकल अंदर तक जा ही नहीं पाएगा। और टाटा मोटर्स क्लेम करता है कि इसमें आपको अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चेसी मिलती है क्योंकि टाटा मोटर्स ने यहाँ पे यूज किया है हाई स्टैंड स्टील जो कि इस ट्रक को बना देता है काफी ज्यादा दमदार ट्रक। और काफी ज्यादा हैवी मटेरियल यहाँ पे टाटा मोटर्स ने यूज किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्गो स्पेस है, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा मैसिव मिलता है जिसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा इसमें लोड कैरी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे आपको मिलती है 4.2 टन्स की मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी जो कि काफी ज्यादा है। और अगर बात करें इस सेगमेंट में लाए करने वाले दूसरे ट्रक्स के कंपैरिजन में तो इसमें जो आपको मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी मिलती है वो इसे एक अल्टीमेट प्रोडक्ट बना देती है अगर आप सिर्फ एक प्रॉफिट वाले बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक ट्रक ढूंढ रहे हैं। ओके तो गाइज हम आ गए इसके इंटीरियर में। सबसे पहले हम चाबी देखेंगे, इसकी कीज आपको कुछ इस टाइप की मिलती है इसमें और कीज को मैं इंसर्ट कर देता हूं। सबसे अमेजिंग बात जो मुझे इस ट्रक की लगती है वो ये लगती है कि इसमें आपको जो क्लच पैडल मिलता है वो बहुत ही ज्यादा लाइट है जिसे आप इजीली प्रेस कर सकते हैं। और टाटा मोटर्स का कहना है कि उन्होंने 30% एफर्ट्स को कम कर दिया है जिसकी वजह से आप इसे जब ड्राइव करेंगे तो ज्यादा आपको फैटिक फील नहीं होगा। अगर बात करें स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे टिल्ट मिल जाती है और साथ ही साथ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी आपको इस ट्रक में मिल जाती है जो कि अच्छी बात है। और जनरली अगर आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें जिनकी हाइट थोड़ी सी छोटी होगी उन्हें भी इसे ड्राइव करने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसका रीजन क्या है कि उसका रीजन है कि इसकी जो सीट्स हैं इस तरह से प्लेस की गई है जिससे आपको जो फ्रंट का एरिया है और फ्रंट की पिक्चर है वो क्लियरली विजिबल होने वाली है। इसके अलावा सीटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप सीटिंग को स्लाइड कर सकते हैं एक्स एंड जी डायरेक्शन में। ये मैंने बटन को प्रेस किया और यहां से आप देख सकते हैं आगे और पीछे मैं यहां से इसे एडजस्ट कर पा रहा हूं।
बाकी सीट का जो फैब्रिक है वो मैबला फैब्रिक यूज किया है टाटा मोटर्स ने फॉर समर और विंटर, यानी कि समर में भी आपको बहुत ज्यादा इसमें गर्मी नहीं लगेगी और विंटर में भी आपको यहाँ पे ज्यादा ठंडी नहीं लगेगी। इसके अलावा इस डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर दे दिया गया है, ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ये लॉक मिल जाता है और ये आपको मैनुअल विंडोज को अप एंड डाउन करने का लीवर मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपको मिलता है इसका टैकोमीटर जिसमें आप आरपीएम देख सकते हैं, नीचे की साइड आपको यहाँ पे टेम्परेचर के मिल जाता है, राइट साइड में आपको मिल जाता है फ्यूल गेज और साथ ही साथ मिल जाता है ऊपर की साइड स्पीडोमीटर। गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं पी का साइन आपको देखने को मिल रहा होगा क्योंकि ट्रक जो है वो अभी पार्किंग मोड पे है यानी कि हैंड ब्रेक मोड पे है। टाइम यहाँ पे आपको दे दिया गया है, जैसे कि आपको टाइम सेट करना है या ट्रिप देखनी है ट्रिप आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एयर प्रेशर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रंट में यहाँ पे आपको अलग एयर प्रेशर देखने को मिल रहा है और रियर में आपको डिफरेंट एयर प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फॉल्ट रिलेटेड इंडिकेटर्स भी यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, जैसे कि इंजन की लाइट होती है या फिर बैटरी की लाइट होती है, ये आपको नीचे के साइड हजार्ड स्विच दे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सीट बेल्ट की वार्निंग भी देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इन्फोटेनमेंट सिस्टम की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम वैसे आपको बेसिक सा लग रहा होगा बट यहाँ पे आपको काफी ज्यादा कनेक्टिंग फैसिलिटीज देखने को मिलती है। ये जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको ब्लॉपंग का 2D इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को है और साथ ही साथ स्पीकर सिस्टम की बात करूं तो स्पीकर्स भी आपको इस ट्रक में देखने को मिलते हैं जिसके स्पीकर की जो क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसके अलावा इस बात करें कंफर्ट की तो यहां पे इसमें आपको फैन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहां से आप देख सकते हैं एयर का जो थ्रो है वो काफी ज्यादा है और अगर आप इसे लॉन्ग जर्नी पे भी लेके जाएंगे तो फैन आपके डेफिनेटली हेल्प करेगा स्पेशली गर्मी वाले दिनों में। फैन से थोड़ा सा ऊपर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एक USB मोबाइल चार्जर और ये जो USB मोबाइल चार्जर है वो फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, यानी कि 5 आपको फ्रंट गियर्स मिलेंगे और एक मिलेगा आपको रिवर्स गियर। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो है वो एक BS6 ट्रक है और टाटा मोटर्स क्लेम करता है कि इस BS6 ट्रक में 30% लोअर गियर शिफ्ट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जिसका मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ अभी स्टार्ट करके से। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रक को ड्राइव करना काफी ज्यादा इजी है, उसका रीजन ये भी है कि इसका जो विंडशील्ड वाला एरिया है वो काफी ज्यादा मैसिव है और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का ब्लाइंड स्पॉट देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट गाइस यहाँ पे आपको जो ब्लाइंड स्पॉट रियर व्यू मिरर्स भी देखने को मिल जाते हैं वो भी काफी ज्यादा हेल्पिंग हो जाते हैं जब आप इसे टाइट पार्किंग प्लेस में ड्राइव कर रहे हो या फिर पार्क कर रहे हो। अब गाइस बात करें अगर LCV सेगमेंट की तो इस सेगमेंट में आपको पहले तो बहुत ज्यादा ट्रक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं लेकिन टाटा का ये जो 710 LPT ट्रक है उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे ये मिल जाता है क्योंकि इसमें जो आपको लोडिंग कैपेसिटी मिलती है वो काफी ज्यादा है, यानी कि नियरली 4.2 टन्स की आपको लोडिंग कैपेसिटी मिलती है और डेफिनेटली उसकी वजह से आप इसमें ज्यादा से ज्यादा लगेज को कैरी करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि आपको जो प्रॉफिट होगा वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। उसके अलावा अगर बात करें इसमें फीचर्स की तो BS6 वाले वर्जन में टाटा मोटर्स ने काफी सारे फीचर्स इसमें एड ऑन किए हैं जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा जो टाटा मोटर्स अपनी हाई स्टैंड स्टील ऑफर करता है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है और वही इस ट्रक को काफी ज्यादा दमदार ट्रक बना देती है। बाकी अब आप हमें नीचे देख कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा टाटा मोटर्स का ये 710 LPT और क्या आप इस ट्रक को कंसीडर करेंगे या फिर नहीं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।